नमस्ते। आज मैं राजस्थान के चौहान राजवंश का गढ़ रणथंभौर में प्रसिद्ध शासक हमीरदेव चौहान के शासनकाल की जानकारी देने जा रहा हूँ। चौहान राजवंश की स्थापना रणथंभौर में सर्वप्रथम 1194 ईस्वी में गोविंद राज चौहान द्वारा की गई। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान रहे। इनके पिता का नाम जय सिंह चौहान था और हमीरदेव चौहान का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में किया गया और इसी वर्ष में हमीरदेव चौहान द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया गया, जो उनके पिता की याद में उन्होंने कराई। ये यहाँ वहाँ की प्रसिद्ध स्थापत्य कला का नमूना है। हमीरदेव चौहान के शासनकाल की जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वे हैं नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर काव्य, चंद्र शेखर द्वारा रचित हमीर हट, सुरजन चरित्र, इसका लेखन भी चंद्रशेखर द्वारा ही किया गया है, सागर धर द्वारा रचित हमीर रासो और जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो। ये 5 स्रोत हैं जिनकी सहायता से हमीर चौहान के शासनकाल की हमें जानकारी मिलती है। कला संस्कृति साहित्य के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चौहान राजवंश के शासनकाल की जो घटनाक्रम हैं, जिनको जानना सबको जरूरी है, उसका उल्लेख करने जा रहा हूँ। हमीरदेव चौहान के समकालीन शासक दिल्ली सल्तनत सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने मात्र 6 वर्षों तक शासन किया, यानी कि इन्होंने 1290 से 1296 तक शासन किया। अपने शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंभौर पर असफल आक्रमण किए। ये आक्रमण 1291 और 1292 में कहा जाता था। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध वाक्य कहा गया वो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा विद्यार्थियों, क्योंकि ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि रणथंभौर के दुर्ग को मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये वाक्य जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कहा गया, कई बार पूछा जाता है। इनकी हत्या 1296 में इनके भतीजे तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजसत्ता में आते ही 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इसके पीछे जो मूल कारण है, वो पहला कारण तो ये माना जाता है कि हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से मना कर दिया। दूसरा जो मूल कारण है वो ये कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन का वर्चस्व चाहता था, विस्तारवादी नीति थी, और इस कारण वह जितने भी अड़ोस पड़ोस के शासक थे उन पर अपना प्रभाव राजनीतिक दृष्टिकोण से बढ़ाना चाहते थे। और तीसरा ये कारण ये भी माना जाता है कि इनके चाचा की हार का बदला भी लेना चाहता था। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो ये कि हमीरदेव चौहान ने मंगोल विद्रोही महमूद शाह को अपने राज्य में शरण दे दी थी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था। परिणाम स्वरूप दोनों की सेनाओं की भिड़ंत हुई। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान और उलुघ खान थे, जबकि हमीरदेव चौहान के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे। दोनों
सेनाओं ने जब युद्ध लड़ा तो परिणाम यह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले दुर्ग झाइन चापन या घात के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं रणथंभौर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जैसा कि आपको विदित है, अलाउद्दीन खिलजी सीधे रूप में रणथंभौर पर विजय हासिल नहीं कर पाया था, तो उसने वहाँ के सेनापति रणमल रतिपाल और रसोईया सुरजन शाह से मिलकर षड्यंत्र रचा। परिणामतः लालच और धोखे के सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को पराजित करने में सफलता अर्जित की। युद्ध में हमीर देव लड़ते हुए मारे गए और इनके मरने पर इनकी रानी रंग देवी और पुत्री देवल दे ने बहुत सारी रानियों के साथ जौहर किया, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। ये जौहर जल के माध्यम से करा गया। हमारे यहाँ जौहर दो तरीके से होते थे, जल जौहर, जल यानी कि जल में अपना जान दे देना से, और दूसरा अग्नि जौहर, अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देने से। राजस्थान का यह जौहर प्रथम जौहर कहलाता है। इससे पूर्व में जो जौहर थे वो नहीं हुए थे। अब जौहर क्या था और शाखा क्या है, ये थोड़ी सी मैं आपको परिभाषा देना चाहूँगा कि समूह में विपक्षी सेना के आक्रमण पर समूह में रानियां अपने साथियों के साथ, अपने सैनिक अधिकारियों की पत्नी के साथ या अपनी दासियों के साथ अपने आप को अपनी रक्षा के दृष्टिकोण से आग में या जल में समर्पित कर देती थी। ये इसको इतिहास में आधा जौहर कहा जाता है। और जब सैनिक सिर पर पगड़ी धारण करके, केसरिया रंग की पगड़ियां धारण करके युद्ध में मरने के दृष्टिकोण से जाते थे कि अब वापस नहीं आएंगे, तो इस घटना को, इस कार्य को केसरिया कहलाता था। केसरिया और जौहर दोनों मिलने पर शाखा होता था। ये ध्यान देने वाली बात है कि जौहर प्लस केसरिया, यानी कि पुरुष भी मरेंगे और स्त्रियां दूसरी तरह से अपने आप को अपने प्राण त्यागेंगी, चाहे आग की सहायता से, चाहे जल में अपना आप को अपने शरीर को डुबो कर अपने आप प्राण त्यागेंगी। तो ये दोनों ही घटना जब होती हैं तो ये शाखा कहलाते हैं। और कई बार एक और से, जैसे कई आदमी मर गए तो वो आधा शाखा कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसलमेर के ढाई शाखे प्रसिद्ध हैं। ये ढाई शाखे क्या हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि जैसलमेर में लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया किया गया, यानी कि उन्होंने अपने आप को युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनकी रानियों ने जौहर नहीं किया, तो यह आधा शाखा कहलाता है। जो राजस्थान के जो जैसलमेर के जो प्रसिद्ध ढाई शाखे हैं उसमें से आधा शाखा जो है वो ये है कि लूणकरण ने केसरिया धारण करते हुए युद्ध में अपने शरीर को त्याग दिया था, लेकिन उनकी रानियों ने जौहर नहीं किया क्योंकि युद्ध का परिणाम दूसरा हुआ। इसी तरह से जैसलमेर का जो पहला शाखा है वो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में ही हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान ही हुआ, और दूसरा शाखा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उनके द्वारा जैसलमेर पे आक्रमण किए जाने के उपरांत हुआ। तो इतिहास के दृष्टिकोण से ये ढाई शाखे महत्वपूर्ण हैं। आज बस इतना ही, कल जालौर के इतिहास के बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।